गुड मॉर्निंग। तो भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किए। अब जो है कुछ क्वेश्चंस और करना पड़ेगा और अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते सबसे पहले। तो सबसे पहले देख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 24 पे ही मिलेगा। लिखा कंपनी एक्स नीड सी मशीन, कोई मशीन चाहिए विच इज परचेस्ड आउटराइट विल कॉस्ट रुपीज 10 लाख। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए का पड़ेगा अगर आप खरीदते हो तो। अ हायर परचेस एंड लीजिंग कंपनी हैज ऑफर टू अल्टरनेटिव एस बिलो। हायर परचेस का मतलब क्या होता है? हायर परचेस का मतलब होता है फाइनेंस लीज। ठीक है, तो बोले अगर आप लोन लेके काम करते हो हायर परचेस के, तो 2,50,000 लगेगा, विल बी पेबल एंड साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। इसका मतलब समझ रहे हो? 2,50,000 सर, ये तो डाउन पेमेंट हुआ। यस, लिख लेता हूँ इसको। अगर मैं हायर परचेस से काम करता हूँ तो डाउन पेमेंट जाएगा 2,50,000। इसके अलावा 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 4 लाख विल बी पेबल एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर वन। फर्स्ट ईयर से 3 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना रुपए? 4-4 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल मिलाकर 12 लाख की ये हो गया। तो अगर मैं हायर परचेस के थ्रू काम करता हूं तो 14,50,000 पेबल है, 14,50,000। जबकि कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट तो 10 लाख ही है। इसका मतलब जो मुझे लग रहा है वो इंटरेस्ट लगता होगा 3 साल मिलाकर। कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 4.5 लाख इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है सर, आगे लिखा है द ओनरशिप इन द मशीन विल बी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ। ठीक है, ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगी बोल रहा है। ठीक है, इट इज एज्यूम दैट कंपनी एक्स विल बी एबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस एंड 0 सैलवेज वैल्यू। ठीक है, फाइनेंस की सिचुएशन ये है कि इस बार उसने इस तरह से सिचुएशन रख दे रखा, डाउन पेमेंट 2.5 लाख है, इंस्टॉलमेंट 12 लाख है, टोटल मिलाकर 14,50,000 है, जबकि कॉस्ट है 10 लाख, तो जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 4.5 लाख है। लीज पे जाते हैं तो ₹20,000 विल बी पेबल टूवर्ड्स इनिशियल सर्विस फीस। लीज पे भी इनिशियल सर्विस फीस देना पड़ेगा। ठीक है, खर्चा ही है 20,000। इनिशियल का मतलब क्या होता है? आज। इसके अलावा लीज रेंट जाएगा फर्स्ट ईयर 4,32,000 और हर साल जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, टैक्स का रेट है 35%। इवेलुएट टू अल्टरनेटिव एंड एडवाइज द कंपनी एज टू विच वन टू चूज एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भाई दो प्रपोजल है आपके पास, तो चलो लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो पहला जाता यह, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। चेक करो क्या डिस्काउंटिंग रेट दिया है। यस, 12%। अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। जी सर,
आप भी बनाते रहो, देखते कौन पहले बना लेता है। ऑप्शन नंबर वन, इस बार ऑप्शन करके लिखा हुआ है उसने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे लिए हायर परचेस। हाँ जी, हायर परचेस में सबसे पहले डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है सर, कब जाएगा? आज। कितना जाएगा भाई? फर्स्ट ईयर के एंड में 2,50,000। सर इसके अलावा इंस्टॉलमेंट जाएगा, याद रखना इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इंस्टॉलमेंट में ऐसा लिख दो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितने साल तक जाएगा? 3 साल तक। सर टैक्स सेविंग नहीं होगा बेटे, टैक्स सेविंग इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता है, टैक्स सेविंग होता है इंटरेस्ट पर। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1, 2, 3, 2.4018, 2.4018 इंटू 4 लाख, ये आ गया 9,60,720। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर ये 12 लाख में ना इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। यस, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। सोच के बताना इंटरेस्ट कितना है। सर 4,50,000, तो 4,50,000 का सर कर लीजिए जितना भी परसेंटेज, और परसेंटेज ऑफ टैक्स कितना दे रखा है? 35%। बेटे समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि ये इंटरेस्ट तो 3 साल मिलाकर है, और मुझे तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कितना, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना, तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? नहीं दिया है। सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज कर लेते हैं, कुछ बच्चों का ये कहना। देखो केडी हम निकालते थे, केडी से पहले इंटरेस्ट करेक्ट? नहीं बेटे, जरूरी नहीं है कि ये जो रेट हो वो केडी ही दिया है, जरूरी नहीं। सर तो क्या करें, पहले साल इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, फिर कम आएगा, फिर कम आएगा। 4.5 लाख में 3 साल का इंटरेस्ट है, काश इक्वल होता, पर पहले साल इंटरेस्ट ज्यादा फिर कम फिर कम। याद करो हायर परचेस एक चैप्टर हुआ करता था आईपीसीसी में, मैं पूरी डिटेल नहीं समझाऊंगा। इंटरेस्ट कितना है चल, उसमें क्या करते थे, यहां लिख रहा हूं मैं, ये वर्किंग नोट हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर वन मैं यहां निकाल रहा हूं, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 4,50,000। अब सुनो, ध्यान से समझना मेरी बात। होता क्या था, हायर परचेस में ये मान लो आपके 3 साल है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये ले लेते हैं थर्ड ईयर। ठीक है जी, ठीक। यहां विथ इंटरेस्ट मुझे पेमेंट करना था 14,50,000 सब मिलाकर, और इसमें से 2.5 लाख तो मैं डाउन पेमेंट कर चुका हूं। तो बता सकते हो कि यहाँ आउटस्टैंडिंग कितना रहा टोटल मिलाकर? सर प्रिंसिपल है हमने बेटे, में टोटल कितना देना था? 12 लाख। फिर यहाँ 4 लाख का पेमेंट हो गया, तो अब टोटल कितना देना है? 8 लाख विद इंटरेस्ट। फिर यहाँ 4 लाख का पेमेंट हो गया, यहाँ
अब कितना देना है, 4 लाख ही देना है, और फिर यहाँ पेमेंट हो गया 4 लाख। तो जो रेशियो है ना विथ इंटरेस्ट वाला, वो रेशियो के हिसाब से हम 4.5 लाख रुपए को बांटेंगे। रेशियो कितना है, 12, 8, 4, 3, 2, 1। इस तरह से किया करते थे आप आईपीसीसी में, आपको याद नहीं है, पर ठीक है। अच्छा सर, ये रेशो के हिसाब से बांटना है। हाँ भाई हाँ, तो अब देखते हैं टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर 1, बताओ बेटी टोटल मिलाकर कितना है इंटरेस्ट सब? 4,50,000, तो पहले साल का आएगा 3/6 इंटरेस्ट। ईयर 2, 4,50,000 है टोटल इंटरेस्ट, दूसरे साल का आएगा 2/6। ईयर 3, 4,50,000 और यहाँ आएगा 1/6। और सर इनटू टैक्स रेट कितना, 35%? सीधा टैक्स से भी निकालना तो सीधा 35% कर लेते ना, क्यों टेंशन ले। बिल्कुल सही, तो 4,50,000 इंटू 3/6 इंटू 35%, तो ये आ गया बेटे 78,750। 4,50,000 इंटू 2/6 इंटू 35%, ये 52,500। 4,50,000 इन डिवाइडेड बाय 6 इंटू 35%, ये आ गया 26,250। इसको ऐड नहीं करना, ये फर्स्ट ईयर का, यहाँ सेकंड, ये थर्ड। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। 12% रेट है तो 1/1.12, 0.8929 ले ले। जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन टू 0.7118, तो कितना है जी, ये है 78,750, ये है 52,500 और ये है 26,250। 78,750, 78,750 इंटू 0.8929, तो यहाँ आ गया 70,316। 52,500 इंटू 0.79, 72,418,53, 26,250 इंटू 0.7118, 18,685, ये भी हो गया। अब क्या बचा सर, अब बचा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, एसएलएम। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 10 लाख। 10 लाख सैलरीज कुछ दिया ही नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 3, कोई रेट भी नहीं है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 3। सैलरीज पक्का नहीं दिया ना, सैलरीज सैलरीज पक्का नहीं दिया, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन इनटू कितना टैक्स सेविंग होगा, 35%। तो डेप्रिसिएशन होगा 1,16,667, फैक्टर्स 1, 2, 3, 2.4018, 1,16,667 इनटू 2.4018, तो ये आगे बेटे 280211, दैट्स इट। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, ये मेरा इसमें टर्मिनल वैल्यू आएगा नहीं, सैलरी 0 और एसएलएम मेथड, तो 2,50,000 जा रहा है, प्लस 960720 जा रहा है, माइनस 70316 बचेगा, माइनस 41853, माइनस 1,86,85, 1,86,85, माइनस 2,80,211,
तो बेटे इस ऑप्शन में आ रहा 799655। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू की, ऑप्शन नंबर बी। या तो साहब आप एक काम कीजिए, लीज पर ले लीजिए, और सुनो इसमें एक तो इनिशियल सर्विस फीस है, कितने रुपए हैं इनिशियल सर्विस फीस? 20,000। कब? आज 20,000। वन तो 20,000। और इस पे टैक्स सेविंग होगा कि नहीं होगा? होगा, ये तो मेरा खर्चा है ना। डाउन पेमेंट पे टैक्स सेविंग नहीं होता, पर ये तो एक्सपेंसेस, इस पे टैक्स सेविंग होगा। सर डाउन पेमेंट भी तो खर्चा है बेटे, उसको आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कैपिटलाइज करते हो, जितना भी इंस्टॉलमेंट देता है उस पर टैक्स सेविंग नहीं होता, पर इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग होता है, याद रखना। ठीक है सर, इनिशियल सर्विस फीस पर टैक्स सेविंग, लेकिन टैक्स सेविंग कब होगा? ईयर एंड में टैक्स सेविंग। 20,000 का 35% कब होना है? फर्स्ट ईयर में 0.8929। 20,000 का 35% 7,000 2.8929 6250। इसके अलावा लीज रेंट है, और इसको चाहो तो हम नेट ऑफ टैक्स कर सकते हैं। लीज रेंट कितना है? चेक करो बेटे, लीज रेंट है 4,32,000। 1 - 0.35, 4,32,000 into 0.65, 280,800। पैसा जा रहा, ठीक है। 1, 2, 3, 2.4018 इंटू 2.4018, तो ये आ गया 674425। ठीक है, इनिशियल सर्विस टैक्स सेविंग, और ये तो ऑलरेडी टैक्स सेविंग पर ही लिया है हमने, तो बस ये तो इतना ही है। तो 20,000 माइनस 6250 प्लस 674425, तो इसमें आ गया आपका 688 1715। बताओ बेटे किस में कम लग रहा है? सर लीज ऑप्शन इज बेटर, बिल्कुल सही, तो यहां लिख देते हैं लीज ऑप्शन इज बेटर। क्यों? ड्यू टू लोअर पीवीसीओ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा क्वेश्चन था। ओके सर, अब कौन सा क्वेश्चन करें? अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, तो बेटे अच्छे से करना है क्वेश्चन नंबर एट को। क्वेश्चन नंबर एट के बाद फिर दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर 26, ठीक है, ठीक से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर 26। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर एट में लिखा क्या है। क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, पर
बनाने में इजी पड़ेगा, ठीक है? ओके सर, चलो जी पढ़। एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू एक्वायर एडिशनल कंप्यूटर टू सप्लीमेंट इट्स टाइम शेयर कंप्यूटर सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। भाई इन लोगों को ना एक्स वाई जेड लिमिटेड को कंप्यूटर खरीदना है। अब यार कंप्यूटर खरीदना है ताकि वो क्लाइंट को सर्विस दे पाए, तो ये सोच रहा कंप्यूटर चाहिए, सीधी सी बात है, खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, कंप्यूटर चाहिए। तो दो ऑप्शन है, कंप्यूटर घर में आ जाए और हम काम कर सकें। पहला भाई कंप्यूटर ही खरीद लो, कंप्यूटर सिस्टम। कितने का पड़ेगा सर? 22 लाख, 22 लाख रुपए का कंप्यूटर। या फिर एक काम करो ना यार, 22 लाख का कंप्यूटर खरीदने की अपेक्षा आप लीज पर ले लीजिए। अच्छा सर, टू लीज द कंप्यूटर, किराए पे बुलवा लो। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो पहले तो या तो खरीद लीजिए या तो एक काम कीजिए लीज पर ले लीजिए, लीज किराए पे। टू लीज द कंप्यूटर फॉर 3 ईयर फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी, और लीज रेंट देना पड़ेगा। आप अगर लीज पे लेते हो तो हर साल ₹5 लाख एस एनुअल लीज रेंट प्लस 10% ऑफ ग्रॉस टाइम शेयर सर्विस रेवेन्यू। ये क्या चीज है, सुना ध्यान से। पहले 5 लाख तो लीज रेंट देना पड़ेगा और जो रेवेन्यू कुछ है, जो मिस जो लेसिस रेवेन्यू देगा कमाएगा उसका 10% और जोड़ देना। चलो वो रेवेन्यू देखना पड़ेगा बाद में। लीज रेंट बोल रहे 5 साल तक, 3 साल तक, 2 3 बोले 5 लाख तो देना ही देना है हम लोगों को। 5 लाख प्लस कुछ 10% किसका रेवेन्यू का बोल रखा है, यहां भी ऐसा बोल रखा है, यहां भी ऐसा। चलो सोचेंगे क्या। द एग्रीमेंट आल्सो रिक्वायर एन एडिशनल पेमेंट ऑफ ₹6 लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये लो बोले थर्ड ईयर में और एक 6 लाख का पेमेंट जाएगा। इस बार तो लीज रेंट अलग अलग, पहले ये 5 लाख प्लस 10% ऑफ रेवेन्यू, सेकेंड ईयर में 5 लाख प्लस 10% ऑफ रेवेन्यू, थर्ड ईयर में 5 लाख प्लस रेवेन्यू का 10% प्लस 6 लाख। लीज रेंट आर पेबल एट ईयर एंड, ठीक है, एंड द कंप्यूटर रेवर्ट टू द लेसर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और बोले कंप्यूटर हम वापस कर देंगे, ठीक। द कंपनी एस्टिमेट दैट कंप्यूटर अंडर रिव्यू नाउ विल बी वर्थ ₹10 लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इसको अंडरलाइन कर लो, ये भूल जाते हैं। वो बोल रहा है कि जिस कंप्यूटर को आप अभी रिव्यू कर रहे हो उसकी वर्थ हो जाएगी, मतलब सैलवेस अगर आप खरीदते हो तो सैलवेस आएगा। कितना रुपए सैलवेस? 10 लाख। 10 लाख ही है ना? हाँ भाई 10 लाख, ठीक। रेवेन्यू दे रखा है, फर्स्ट ईयर में 22 लाख 50,000, सेकेंड ईयर में 25 लाख और थर्ड ईयर में 27 50 लाख। सर ये रेवेन्यू दे रखा है तो ये तो हमारी इनकम है, इसको तो दिखाना पड़ेगा बिट्टू। ये रेवेन्यू अगर इनकम में दिखा सकते हो तो दिखा दो, लेकिन सुनो कैश इन्फ्लो में दिखाने का मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आप लीज पे लोगे तो भी इतना ही रेवेन्यू आएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो, अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो भी रेवेन्यू इतना ही आएगा। ये रेवेन्यू देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लीज वाला फिगर निकाल लीजिए। अच्छा उसमें 10% ऑफ रेवेन्यू बोल रखा है, हाँ भाई तो चलो कर लेते फिर तो, ये 6 लाख रुपए में बाद में। इट मीन्स पहले साल का रेवेन्यू है 22 लाख 50,000, तो सीधा 10% ले लूँ 2 लाख 50,000, तो उस हिसाब से लीज रेंट आ गया 7 लाख 50,000। फिर 2 लाख 25,000 आना चाहिए भाई इधर का, तो ये आ जाएगा 7 लाख 25,000। दूसरे साल का रेवेन्यू 25 लाख, तो 2 लाख 50,000, तो इधर कितना आएगा 7 लाख 50,000, और फिर 27 लाख 50,000, तो यहाँ गए 2 लाख 75,000 प्लस 6 लाख एक्स्ट्रा, एक 5 लाख प्लस 2 लाख 75,000 प्लस 6 लाख, तो लीज रेंट यहाँ हो रहा है 37 लाख 13 लाख 75,000।
इसका मतलब है लीज रेंट हर साल अलग अलग है। रेवेन्यू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 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 आप लीज पे लो चाहे तो रेवेन्यू को दिखाकर क्या करोगे आप कैश इनफ्लो को। ठीक है आगे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो भैया कंप्यूटर तो चलाना ही पड़ेगा, कंप्यूटर खरीद रहे तो कंप्यूटर चलाओगे ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें डेप्रिसिएशन और लीज रेंट के अलावा आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 9 लाख, 9 लाख रुपए का एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट विथ एन एडिशनल रुपीज 1 लाख फॉर स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। अब कंप्यूटर है तो भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा पहले साल में, तो वो भी है, एक तो कंप्यूटर को चलाना पड़ेगा और चलाने से पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दिस कॉस्ट आर टू बी बॉर्न बाय लेसी, अंडरलाइन करो कि दिस कॉस्ट आर टू बी बॉर्न बाय लेसी, मतलब अगर मैं लीज पे लेता हूं तो ऑपरेट करने का खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा भाई कंप्यूटर का। ठीक है लीज रेंट तो दे ही रहा हूं वो अलग है, इसके अलावा ऑपरेटिंग खर्च मेरा है, और अगर आप खरीदोगे तो भी सर ऑपरेट हम ही को करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, क्या दोनों ही कंडीशन में मुझे ही ऑपरेट करना है? हाँ मुझे ही खर्चा बियर करना है, तो बोलो किधर आएगा सर? दोनों जगह आएगा, मतलब दोनों जगह नहीं आएगा, समझ रहे हो ना आप, इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है सर, तो 9 लाख और 1 लाख दोनों? हाँ बेटे 9 लाख और 1 लाख। तो आगे एक्स वाई जेड लिमिटेड विल बोरो, अच्छा जो 22 लाख का कंप्यूटर खरीद रहा है बोले वो आप उधार लोगे, कितने परसेंट पे? बोले 16% इंटरेस्ट, 16% इंटरेस्ट टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द कंप्यूटर, रीपेमेंट आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल। वो जो टेबल बनाते थे ना आप लोग, वो टेबल आपको अब बनाना नहीं है, उसने कहा कि मैं बनाकर दे देता हूँ। सुना ध्यान से किस तरह से टेबल बनाए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में 5 लाख, इंटरेस्ट 352, तो टोटल मिलाकर दे दिया 8,52,000, सेकेंड ईयर में भी 8,50,272 ये दे दिया, मतलब उसने बता दिया कि फर्स्ट ईयर में इतना पेमेंट करेंगे, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, और उस पर इंटरेस्ट कितना वो भी बता दिया। कंपनी यूजेस SLM मेथड टू डेप्रिशिएट एसेट एंड 50% आपका इनकम टैक्स हो गया। मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड अप्रोचेस यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एडवाइस, विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंडेड एंड व्हाई। डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा 8% और 16%, तो हम तो समझदार हैं, हम देख लेंगे कि कितना परसेंट यूज करना, और 16% है तो 16% थोड़ी यूज करेंगे, केडी यूज करेंगे, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो 8% यूज करेंगे फैक्टर। चलो जी काम करें। कैलकुलेशन ऑफ पीवीसी, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट मैं ले रहा हूं 8%, सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या खत्म कर, रिलीज वाले ही काम खत्म कर देते हैं, लीज ऑप्शन, और लीज ऑप्शन में सबसे पहले लीज रेंट नॉट नेट ऑफ टैक्स करते, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का लीज रेंट कितना, 7,25,000, 1 माइनस टैक्स 50% है। सेकेंड ईयर का 7,50,000, 1 माइनस 0.50, 7,50,000, 1 माइनस 0.50, 7,25,000 × 0.5,
तो यहाँ जाएगा 362,500 750,000 इंटू 0.5 375,000 इंटू 0.5 नहीं ये गड़बड़ है, ये तो 13,75,000 है, 13,75,000 इंटू 0.5 तो ये आ गया 687,500। फैक्टर शायद बुक में ही लिखा हुआ है। यस, कौन सा वाला लेना, 8% वाला, 0.926, 0.857, 0.794, 362,500 into 0.926, तो ये आ गया 335,675, 375,000 into 0.857, 321,375 and 687,500 into 0.794, 545,875. अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 335,675 प्लस 321,375 प्लस 545,875, तो ये आ गया बेटे 1202925। अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोन ऑप्शन। जैसा कर रहा वैसे ही करेंगे, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना इंस्टॉलमेंट है, अलग अलग है इंस्टॉलमेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट निकाल कर दे दिया, 852,000, 11,22,000 एंड 9,86,000, 926,857,794। अच्छा और क्या लिखना है, टैक्स सेविंग्स और इंटरेस्ट बाद में लिख लेंगे भाई, 8,52,000 इंटू 0.926, 788,952, 11,22,000 इंटू 0.857, 961,554, 9,86,000 इंटू 0.794, 782,884, ये भी हो गया। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, वन टू थ्री। इंटरेस्ट निकाल कर दिए तो हमें मेहनत करनी नहीं है, इंटरेस्ट पहले साल का 3,52,000 और इस पर टैक्स सेविंग कितना होगा, 50% ही है ना भाई, हाँ। फिर क्या है, 272 इसका 50% और फिर 1,36,000 इसका 50%, फैक्टर तो वही आ जाएगा 926,857 और 794, 3,52,000 इंटू 50%, तो 1,76,000, 272 इंटू 50%, 1,36,000,
1,36,000 into 50%, 68,000. तो 1,76,000 into 0.926, ये आ गया 162,976. 1,36,000 into 0.857, 116,552. 68,000 into 0.794, 53,994. चलो जी, ये भी काम हो गया सर. अब और कुछ बचा हुआ है क्या? ये मिटा देता हूं यार. अब बचा हुआ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिशिएशन. मशीन का कॉस्ट कितना है? 22 लैक्स. माइनस 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 3. 10 लैक्स सैलवेज मैंने लिखवाया हूं, और इसका कितना परसेंट? 50%. कितना आएगा? 1, 2, 3. 1, 2, 3 का फैक्टर 2.577. 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 50%, 2 लाख इंटू 2.577. तो ये आ गया 515,400. तो सर टर्मिनल वैल्यू भी आएगा. यस, कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर में कितना? 0.794. कितना रुपए? 10 लाख. क्योंकि सोचो, बेचोगे 10 लाख की और बुक वैल्यू भी 10 लाख है, तो कोई कैपिटल गेन होगा ही नहीं. हाँ सर, ठीक है. बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए. 10 लाख इंटू 0.794, 7,94,000. नहीं, यहाँ 10 लाख लिखना पड़ेगा ना भाई. तो यहाँ आ जाएगा 7,94,000. बस अब निकाल लेते कितना रहा. 788,952 प्लस 961,554 प्लस 782,884 माइनस 162,976,976 माइनस 116,552 माइनस 53,994 माइनस 515,400 माइनस 7,94,000. तो बेटी ये आ गया 890,468. बताओ विच ऑप्शन इज बेटर? सर दिख रहा है लोन ऑप्शन इज बेटर. आंसर आ जाएगा लोन ऑप्शन इज बेटर. क्यों? क्योंकि लोअर कैश आउटफ्लोस है. तो ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बड़ा क्वेश्चन था पर अच्छा था. इसमें ज्यादा कैलकुलेशन, इधर हमको कोई टेबल नहीं बनाना पड़ा, जो हुआ वो इसी में हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सर और कोई क्वेश्चन है जो करने लायक है? यस, इस बार छोटा क्वेश्चन उठा एक. हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 31. आ जाइए बेटे जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 31, और पढ़ना स्टार्ट कर दो. चलो देखते हैं क्या लिखा है. लिखा पी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 31. हाँ जी, पी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एक्वायर ए मशीन कॉस्टिंग 50 लाख. 50 लाख रुपए की मशीन खरीदना, लीजिंग. ठीक है, लीजिंग यहां खरीदना ही नहीं, इस तो दोनों ही लीज पे लेना, बात खत्म. तो दोनों मतलब 50 लाख और लीजिंग ही एक ऑप्शन है. हाँ, लेकिन दो लीजिंग कंपनी से ऑफर है, कोट ए कोट बी.
पहला लीजिंग कंपनी बोलते भाई हम 3 साल के लिए देंगे, दूसरी लीजिंग कंपनी बोलती हम 4 साल के लिए देंगे। सर ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सीधी बात है दोनों में से किसी एक कंपनी से लीज पे लेना है। समस्या है लाइफ अलग अलग है, एक 3 साल है और एक 4 साल है। तो क्या करते हैं हम इसमें इक्वल एनुअल पीवीसीओ निकालते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ। ये मैंने आपको कैपिटल वेस्टिंग में सिखाया। इनिशियल लीज रेंट दे रखा, इनिशियल का मतलब आज 5 लाख 1 लाख, और एनुअल लीज रेंट दे रखा 21.06 19.66। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% लेना, टैक्स का रेट है 30%। टर्मिनल पेमेंट इन बोथ केसेस इज नेग्लिजिबल, मतलब होता है ना जैसे लीज पर लेते हैं तो हम लास्ट में थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है और इग्नोर करना। मैं कैलकुलेशन एंड शो विच कोट इज बेनिफिशियल टू पी लिमिटेड, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1:4 का दे रखा 0.91, 0.83, 0.75, दो डिजिट में, तो हमको वही यूज करना है। और राउंड ऑफ कर सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस इन लैक्स में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ, अब की बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, हमारे पास है कोट ए कोट बी, अमाउंट पीवी, अमाउंट पीवी, और यहाँ क्या है ईयर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट लेना, 10% बोल रखा है। अब यार इसमें लीज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कहानी खत्म, उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को मतलब है कि प्रपोजल ए और प्रपोजल बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक। सर क्या जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ें आनी है इसलिए मैं इस तरह से बनाए ए और बी। पहले तो देखो सबसे शुरू में क्या, लीज टर्म है 3 साल, इनिशियल लीज रेंट, इनिशियल आज 1, यहाँ कितना जा रहा है 5, दो जीट में बोला, और 5, और इधर कितना जा रहा है 1, और यहाँ भी 1। टैक्स सेविंग कितना परसेंट है, टैक्स सेविंग्स है 30%। और हम जानते हैं टैक्स सेविंग फर्स्ट ईयर के एंड में होगा। फैक्टर कितना दे रखा 0.91, 5 का 30%, 1.5 × 0.91, 1.365 है, तो अब 36 ले लेते भाई, ठीक। और 1 का 30% 0.3, और 0.3 × 0.91, 0.27, ठीक। अब क्या करना, इसके अलावा एनुअल लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स कर लेते, पर प्रॉब्लम है इसका लाइफ कितना है 3 साल और इसका है 4 साल, तो ये तो आएगा 1, 2, 3। एनुअल लीज रेंट कितना है 21.06, 1 − 0.30, तो 21.06 × 0.7 नेट ऑफ टैक्स कर लिया 14.74, पैसा जाएगा। फैक्टर 3 साल का जोड़ लेते हैं 0.91, अच्छा बाद में जोड़ेंगे, दूसरे का भी लिख लेते हैं बी, बी का लीज रेंट कितना है 19.66,
तो 19.66 इंटू 0.7 ये आ गया 13.76 ले लेता, लेकिन यहां लाइफ कितना 1 to 4। चलो जी 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75 प्लस, तो यहां तो आ गया 2.49, ये छोड़ो नहीं अरे तो आएगी प्लस 0.68, यहाँ गया 3.17, 14.74 इंटू 2.49 36.70 और 13.76 इंटू 3.17 ये गलत हो गया, यहाँ आना चाहिए 13.76 तो आ गया 43.62। ठीक, और कुछ है नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ लेते हैं। कितना आएगा 5 जा रहा है माइनस 1.36 प्लस 36.70 तो यहाँ रहा 40.34, यहाँ 1 माइनस 0.27 प्लस 43.62 ये आ रहा बेटे 44.35। बस एक समस्या है, हालांकि अभी कौन सा अच्छा सर कोट ए इससे लो ना, पर इसकी लाइफ है 3 साल, इसकी लाइफ है 4 साल, तो हमको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ। ये मैं समझा चुका हूँ कैपिटल बस्टिंग में, हाँ सर याद है। और ये कैसे निकालते हैं, पीवीसीओ डिवाइडेड बाय पीवीएएफ एनुटी फैक्टर। तो सबसे पहले कोट ए पीवीसीओ कितना है 40.34 डिवाइडेड बाय 2.49 और बी 44.35 डिवाइडेड बाय 3.17 ये है 13.99, मतलब 14 भी ले सकते हो। आंसर अलग, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, कोट बी इज बेटर, क्यों, ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लो। तो लिख लेते इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ, खत्म क्वेश्चन। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, कोई खास बात थी नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और वो है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 25। हाँ जी पढ़ना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आपको देखा देखा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 25। हाँ जी तैयार हो, यस सर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लिखा हुआ बीटा लिमिटेड is considering the acquisition of personal computer costing 50,000. 50,000 रुपए cost है, effective life है 5 साल. The company plans to acquire the same. बोले ये 50,000 रुपए का computer खरीदें तो आप उधार ले लो 50,000. कितने परसेंट के हिसाब से, 15%, या तो फिर लीज पे ले लीजिए। अब सुनना ध्यान से, the company wishes to know the lease rent
कैपिटल टू बी पेड एनुअली. इस बार बोले हम लीज रेंट पता कीजिए एनुअली विल विच विल मैच द लोन ऑप्शन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. देखो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ यार, मेरा पहले लोन ऑप्शन में कितना जा रहा है वो निकाल लेता हूँ. बोले उसके हिसाब से फिर बताओ कि हम कितना लीज रेंट दे सकते हैं, जो इंडिफरेंस आ जाए. लोन ऑप्शन में जितना आउटफ्लो उतना लीज ऑप्शन में आ जाए. मतलब समझ रहे हो ना कि लीज ऑप्शन पता करना, लीज रेंट पता करना चाहता कि यार मैं कितना दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता. ठीक, फर्दर इंफॉर्मेशन. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन विल बी पेड इन 5 annual इक्वल इंस्टॉलमेंट. अंडरलाइन करोगे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को 5 किस्तों में देना, सिर्फ प्रिंसिपल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं बोला. सर मतलब 50,000 तो हर किस्त कितने की आएगी? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. ठीक है, ओके. तो सर वो नॉर्मल जैसे PVAF से हम इंस्टॉलमेंट निकालते थे वैसे नहीं निकलेगा इस बार. इंटरेस्ट लीज रेंटल एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट आर टू बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच. ठीक है, लास्ट डे. फुल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द इफेक्टिव लाइफ. अंडरलाइन करोगे फुल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर. सर इसमें क्या अंडरलाइन करना, डेप्रिसिएशन करना है तो पूरी कॉस्ट को ही करना, मतलब सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं होगी क्योंकि फुल कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है. तो लिखा फुल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द इफेक्टिव लाइफ ऑफ कंप्यूटर ऑन SLM बेसिस एंड सेम विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पस. इफेक्टिव टैक्स रेट है 40%, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%. द कंप्यूटर विल बी सोल्ड फॉर ₹1,700. सैलवेज दिया है पर डेप्रिसिएशन निकालते समय माइनस नहीं होगी, और बेचोगे तो कमीशन 9% देना पड़ेगा. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनुअल लीज रेंट पेबल बाई बीटा लिमिटेड विल विच विल रिजल्ट इन इंडिफरेंस टू द लोन ऑप्शन. और रेलिवेंट डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है. चलो जी, वैसी टेबल बना रहा हूँ, काम हो जाएगा. लेट एज्यूम एनुअल लीज रेंट बी एक्स, एक्स मानना पड़ेगा उसको. ठीक है, चार कॉलम हमारे बनते हैं नॉर्मली क्वेश्चन. पहला कौन सा आता है, ई. दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है कि भाई इसमें, हाँ दिया हुआ है. कितने परसेंट का परसेंटेज, 9%. अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी. तो ऑप्शन नंबर वन लीज ऑप्शन, क्या देना है लीज एंड, ईयर एंड है तो सीधा क्या कर दूं, नेट ऑफ टैक्स. कितना लीज रेंट एक्स, यही तो मुझे पता करना है. अच्छा सर ये बात है, हाँ भाई हाँ, और टैक्स का रेट है 40%, तो 1 - 0.4, तो यहाँ जाएगा 0.40x 1 to 5. और फैक्टर जो दिया है ना उसको ले लो भाई, 0.92 प्लस 0.84 प्लस 0.77 प्लस 0.71 प्लस 0.65, 3.89 इंटू 0.4, 1.556x हो गया है. अब आ जाते ऑप्शन नंबर टू, लोन ऑप्शन. सबसे पहले क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट. और सिर्फ प्रिंसिपल का, मतलब मैं यहां ऐसा लिख दूं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट.
कितना रुपए? 50,000। कितनी किस्त? 5 किस्त। हर साल 10,000। हाँ सर, तो इसमें सोचना क्या था, सीधा 1-5। याद रखना, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल है। हर साल 10,000, 3.89। 10,000 इंटू 3.89, तो पेमेंट कितना हो रहा? 38,900। ठीक, ये हटा दूं इसको क्या? हाँ सर, अभी क्या आएगा? टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? अगर WDV होगा तो अलग से कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो यही दिखा देते। टेंशन खत्म और SLM मेथड है, यही दिखा देते भाई, कौन इतना टेंशन ले। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट सर? नहीं 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 ऐसा मत लिखो ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट जोड़ा नहीं, तो इंटरेस्ट अलग से दिखाइए ना। तो आप ऐसा कर सकते, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4, 5। अब सुनना, पहले साल 50,000 पे इंटरेस्ट, फिर 10,000 का पेमेंट, फिर 40,000 पे इंटरेस्ट, फिर सर इसको अलग से कहीं दिखा दे क्या? चलो दिखा ही देते यार, क्या है? वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ईयर 1, 2, 3, 4, 5। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पहले साल कितना था? 50,000, फिर 10,000 का पेमेंट किया तो कितना बचा? 40,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000। फिर पहले इंटरेस्ट निकाल लेते, फिर नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना है जी? इंटरेस्ट का रेट है 15%, तो 0.15 इंटू 50,000, ये आ गया 7,500, 40,000, 6,000, मतलब 1500 कम हो रहा है, 4,500, 3,000 एंड 1,500। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। अब क्या कर ले? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो इंटरेस्ट 1 माइनस 1 माइनस 0 पॉइंट, टैक्स का रेट कितना है? 40%, तो सीधा सीधा 60% लिख देते हैं। हाँ सर, 0.6 इंटू 7,500, 4,500, 6,000 इज इक्वल टू 3,600, 45 इज इक्वल टू 2,700, 3,000 इज इक्वल टू 1,800, और लास्ट वाला 900 ही होगा। बस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कर दिया, तो पहले साल कितना आएगा भाई? 4,500। ये आउटफ्लो नहीं है, ये पेमेंट ही है, इतना इंटरेस्ट टैक्स को काटने के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट मुझे अलग से दिखाना पड़ा। फिर 3,600, इसके बाद 2,700, इसके बाद 1,800, और इसके बाद 900, और फैक्टर दिया हुआ है वही उठाकर लिख देंगे। 0.92, 0.84, 0.77, 0.71 एंड 0.65। 4,500 इंटू 0.92, 4,140, 3,600 इंटू 0.84, 3,024, 2,700 इंटू 0.77, 2,079, 1,800 इंटू 0.71, 1,278 एंड 900 इंटू 0.65, 585। अब क्या आएगा? अब आएगा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। मशीन कितने की है? 50,000 फुल कॉस्ट डेप्रिशिएट करना, डिवाइडेड बाय 5
इनटू टैक्स का रेट कितना है 40%, 4000 का टैक्स सेविंग है हर साल, आ जाएगा 3.89। तो 4000 इंटू 3.89, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 15560। सर इसके अलावा लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा है टर्मिनल वैल्यू कौन सी ईयर में, फिफ्थ ईयर में, और फिफ्थ ईयर में टर्मिनल वैल्यू कौन सा फैक्टर, 0.65। बस वही निकाल लेते खत्म हो जाएगा। टर्मिनल वैल्यू, सेल्स कंसिडरेशन, मशीन कितने की बिकेगी, 1700 रुपए की मशीन बिकेगी, लेकिन कमीशन भी देना पड़ रहा भाई, 1700 का 9%, 153 कमीशन चला जाएगा। तो 1700 माइनस 153, तो आपके पास आया 1457। दिस इज नेट सेल्स, माइनस क्या करोगे, कैपिटल गेन टैक्स। आपने कितने का बेचा, 1547, जबकि बुक वैल्यू, जबकि पूरी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो चुकी, तो बुक वैल्यू जीरो, और इसका कितना परसेंट, 40%, तो 1547 का 40%, 619। बताओ टर्मिनल वैल्यू कितना, 1547 माइनस 619, 928। तो यहाँ आ जाएगा 928, और 928 इंटू 0.65, यह आ गया 603। अब देख लेते ये कितना, 38900 प्लस 4140 प्लस 3024 प्लस 2079 प्लस 1278 प्लस 585 माइनस 603, तो ये आगे बेटे 33843। ये लोन ऑप्शन है और ये लीज, और मुझे एक्स की वैल्यू पता करना, इन दोनों को मैच करने करूंगा मैं। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ लीजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ऐसा कुछ करने वाला हूँ, दोनों का आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ लीजिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ लीजिंग है सर 1.556x, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना आ रहा है, 33843। तो क्या एक्स की वैल्यू निकल सकता है, इसको ब्रेक इवन लीज रेंट भी बोलते हैं एक्चुअल। हो गया 33843 डिवाइडेड बाय 1.556, तो आंसर आ गया 1.55। भाई पहले ही बताना था, गड़बड़ तो शुरू से ही हो गया, ये 0.6 है सर, वही तो बता रहे थे, पर बताए कैसे, सही बोल रहे, कोई बात नहीं, मेरे पास तो आंसर है, मुझे बाद में पता लग जाता। 0.6 इंटू 3.89 होना चाहिए था, तो यहाँ होना चाहिए था 2.334x, तो बाकी सब ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया 2.334x, तो यहाँ आ जाएगा 2.334x, तो 33843 डिवाइडेड बाई 2.334, तो लीज रेंट आ गया ₹14,500। बस बात खत्म, बस इतना याद रखना, हो सकता कहीं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि एक्चुअली मैं ही यहाँ कैलकुलेट करके पूरा के पूरा, क्लास में ऐसा था बच्चे साथ साथ रहते तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो आप संभाल लेना, और मुझे ऐसा लगता है आप इतने समझदार हो सी ए फाइनल में कि संभाल लोगे कोई गलती, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ बात है तो आप फोन कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा था और ये भी प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन था, तो आज के लिए तो बहुत हुआ सर, होमवर्क बताइए, आज की क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, दैट्स इट, थैंक यू।